हाय दोस्तों, और मैं पहुंच चुका हूं सहारनपुर और आज जा रहा हूं अपने भाई के साथ। गाड़ी ले जाने की जगह नहीं थी तो सोचा चलो स्कूटी पे चलते हैं। और आज मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं अपने सहारनपुर के अलग अलग तरह के जो फूड्स हैं। बहुत कुछ आपको चांदनी चौक की उन गलियों की याद दिला देगा मेरा शहर सहारनपुर। जी हाँ, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है बचपन में इन गलियों से। हम कभी रामलीला देखने जाते थे शॉर्टकट मार के घंटाघर जुबली पार्क में, जो रामलीला होती थी, और उन्हीं गलियों में से आज हम स्कूटर से जा रहे थे। लेकिन हमारा जो पड़ाव था वो था अपना फूड व्लॉगिंग के लिए कुछ पुराना सामान ढूंढना, और मेरा कुछ सामान खो गया है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो स्कूटी पर चलते चलते हमारी मंजिल करीब करीब आने लगी थी, क्योंकि छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, और इन गलियों में से शॉर्टकट करते करते हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले थे। और पहुंच चुके थे हम उस जगह का नाम है हलवाई हट्टा। इस जगह को बोलते हैं हलवाई हट्टा, और आप यहां देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी रोड्स हैं, हलवाई हट्टा, सराफा बाज़ार, बड़तला यादगार, और ये धनी राम जी की मट्ठी। आपको बिल्कुल आपको चांदनी चौक की याद आएगी, मुझे, और टेस्ट भी वैसे ही है, टेस्ट भी आपको पुराना चांदनी चौक का जो टेस्ट है वही याद आएगा। ये सरदार जी फेमस मिठाई वाले, और यहाँ का घेवर बहुत फेमस है। और ये हम आ गए धनी राम मट्ठी जी के पास। ये धनी राम जी का जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको दिखाऊँ, जो सिर्फ सहारनपुर में मिलता है, ये है पिज़्ज़ा। ये मट्ठी पिज़्ज़ा है। आपको देख के कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं जब भी सहारनपुर जाता था तो वहाँ पे ज़रूर मैं मंगाता था और खाता था। और ये देखिए, ये है पिज़्ज़ा, जिसको पिज़्ज़ा बोलते हैं। ये सहारनपुर का पिज़्ज़ा है, और एक तरह की मट्ठी है जो सिर्फ सहारनपुर में मिलती है। और मैंने लिया वहाँ से एक पिज़्ज़ा अपने लिए, और थोड़ी सी सवाली, कहते हैं सवालियाँ, तो सवालियाँ भी एक कुछ होती है मट्ठी टाइप की छोटी, आप इसको कचौड़ी कह सकते हैं। तो ये था धनी राम जी मट्ठी वाले, पुराना बजाजा हलवाई हट्टा। अब इसको हलवाई हट्टा इसीलिए बोलते हैं, यहाँ सारे हलवाई हैं। हम फिर आगे बढ़ने लगे, फिर वापस स्कूटी पे, और उन तंग गलियों के अंदर चलते चलते बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि भाई को पसीना आ चुका है, गर्दन पूरी भीग चुकी है, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं करी, क्योंकि उसको अपने भाई को आज दिखाना था। पता नहीं, मुझे लगता है शायद मैं 15 साल के बाद इन गलियों में आया हूँ। और हम पहुंचने वाले थे अब कहीं और हम पहुंच चुके थे बड़तला यादगार की फेमस इमरती। ये है यहाँ की फेमस इमरती, और देखिए ताज़ा ताज़ा बनती हैं, ताज़ा ताज़ा खाइए। और हमने भी ऑर्डर दे दिया सिर्फ एक इमरती का, क्योंकि पेट में जगह नहीं थी, हमें सिर्फ टेस्ट करनी थी। और देखिए, वाह क्या बात है, क्या बात है, सब इमरती बहन एक साथ बैठी हुई हैं। और ये दुकान शायद 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी होगी, क्योंकि मैंने तो बचपन से देखा इस दुकान को। और चलो, हमने इमरती आ चुकी थी एक पुराने अखबार के पेपर के ऊपर, और उसमें जो खुशबू होती है ना वो अलग ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाता हूँ आपको। हम जा रहे हैं यहाँ बड़तला यादगार की फेमस चाट। जी हाँ, नाम बहुत सुना था, घर पर आती थी पैक होके, मुझे लगा यार वहीं चल के खानी चाहिए। तो हम पहुँच चुके हैं बड़तला यादगार की फेमस चाट। और इस चाट को खाने के बाद सच बोलूं तो मुझे फिर वापस से, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, तो मुझे वही चांदनी चौक की याद आई, वही नटराज के दही भल्लों की याद आई। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बल्कि शायद ये पुराने शहर के दही भल्ले कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, कुछ यहाँ की चाट कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, और टिक्की भी गजब की थी। हालाँकि हमने बहुत कम खाया, क्योंकि हम सुबह से खा ही रहे थे, तो लेकिन भीड़ बहुत थी, और हमने ऑर्डर तो दे दिया। अब देखते हैं हमारा नंबर कब आता है। गोलगप्पे का पानी देख के मुँह में पानी आ गया था, तो मेरा था कि आज फ्री में गोलगप्पे का पानी भी पीकर जाऊंगा। रेट आपके सामने है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, और वैसे भी माना जाता है कि सहारनपुर जो है भारत के सबसे सस्ते सिटी में से एक है। तो फिर मैं इसके बारे अलग से बताऊंगा आपको यहाँ के रेट क्या क्या हैं पूरे। चलो, हमें नीचे जगह मिल चुकी है, एक तरह का बेसमेंट था छोटा सा, वहाँ पे जगह मिल गई थी बैठने की, लेकिन हमारा नंबर अभी तक नहीं आया था। ईद की वजह से भी काफ़ी भीड़ थी, और हमें खड़े हुए शायद 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन पैकिंग इतनी थी कि हमारा नंबर आने में बहुत समय लग रहा था।
हमें तो मुझे लगा कि चलो मैं आगे पीछे से मुआयना कर लेता हूँ इस बड़तला यादगार की शॉप का। इन्होंने एक और ब्रांच खोल दिया अपनी कोर्ट रोड पे, तो नेचुरली अब तरक्की हो रही है, ज़माना बच्चों का है, तो भाई मेरा इंतज़ार कर रहा है कब चाट हाथ में आएगी, कब हम इसको खा पाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है हमारा नंबर आने वाला है बहुत जल्दी, और ये शायद हमारा ही चाट आ रही थी शायद, मुझे ऐसा लगा, और ये चाट आ गई दोस्तों, आ चुकी है चाट हमारे सामने। और देखिए पापड़ी है, भल्ले हैं, और चटनी है, सॉल्ट है, और जीरा भुना हुआ बहुत सारा था, हरी चटनी भी थोड़ी सी थी। तो आगे बताता हूँ खाने के बाद ये कैसी लगती है ये बड़तला यादगार की चाट। ये बात सुन, ये कितनी पुरानी दुकान है? तो पुरखों की है। है पुरखों की तो है। कितने साल हो गए? 50 साल? ज्यादा। आजादी से पहले की तो नहीं है कहीं? और मुझे गोलगप्पे का फ्री पानी मिल चुका था जिसमें हल्की हल्की तैर रही थी, डुबकियां मार रही थी पकौड़ियां, और क्या गजब का टेस्ट था भाई, सब हजम हो गया इसको पीते ही। आपको भी एक आइडिया दे रहा हूँ, जब भी चाट खाने जाएं तो फ्री का गोलगप्पे का पानी जरूर पिए हैं, इसके बिना मत आएं।